गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्कॉर्पियन जंतु का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इससे पहले आप लोगों ने पिछली क्लास के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, देखिए बच्चों, स्कॉर्पियन जो है वो आप लोगों को पता है आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है और आर्थ्रोपोड्स जो जंतु होते हैं उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम या हम जिसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं वो किस प्रकार का होता है, वो ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आया जाता है। किस तरह का होता है? ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब ये ओपन टाइप खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, इसका क्या आशय होता है? इसका आशय यह है कि इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का निर्माण नहीं होता है, ओके, ब्लड कैपिलरीज का निर्माण नहीं होता है बल्कि जंतु के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड साइनसेस, ओके, ब्लड साइनसेस इनको हम कहते हैं ब्लड साइनस या लैक्यूने में प्रवाहित होकर संपूर्ण बॉडी के अंदर परिसंचरित होता है। ओके, इसीलिए इसको हम लैक्यूनर टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ओके, अब स्कॉर्पियन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके कौन कौन से भाग होते हैं? तीन पार्ट्स का मिलकर बना होता है। कौन कौन से? हार्ट विच इज एनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम, फिर हार्ट से निकलने वाली मेन आर्टरीज और आर्टरीज के बाद में वेरियस साइनसेस। ओके, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। हार्ट कहाँ सिचुएटेड है? देखिए, किस प्रकार का हार्ट पाया जाता है जंतु के अंदर? जंतु के अंदर जो है इलोंगेटेड एंड मस्कुलर ट्यूब के रूप में हार्ट सिचुएटेड होता है। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है? ये जंतु के जो मीजोसोमेटिक रीजन है, जो मीजोसोमा पार्ट है जंतु का बॉडी का, उसकी जो काइटिनस टर्गा है उसमें बॉडी में उपस्थित जो हिपेटोपैंक्रियास रीजन है वहाँ हिपेटोपैंक्रियास की जो मध्यवर्ती पृष्ठ खांज होती है वहाँ पर ये हार्ट सिचुएटेड रहता है। ओके, और हार्ट एक थिन वॉल मेम्ब्रेनस सैक के अंदर एनक्लोज रहता है। ये सैक क्या कहलाता है बच्चों? ये सैक कहलाता है पेरिकार्डियम। ओके, और इस पेरिकार्डियम में हार्ट अ पेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बैंड्स के द्वारा सधा रहता है। ओके, और ये बैंड्स या ये लिगामेंट्स क्या कहलाते हैं? ये लिगामेंट्स कहलाते हैं एलाई कॉर्डी। ओके, ये लिगामेंट्स जो है वो इस पेरिकार्डियल जो कैविटी है जिसको हम पेरिकार्डियल साइनस भी कहते हैं उसको एक डॉर्सल, एक वेंट्रल और दो लेटरल चैम्बर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ओके, चले आगे। अब हार्ट जो है इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब नुमा संरचना होती है और ये इस हार्ट के अंदर ट्रांसवर्स कॉन्स्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं बच्चों। ओके, और इन कॉन्स्ट्रिक्शंस की वजह से ही हार्ट जो है वो सेवन डिस्टिंक्ट चैम्बर्स के अंदर इनकम्प्लीटली डिवाइडेड दिखाई देता है। ओके, और ये कहाँ पाए जाते हैं? इन द मिडिल ऑफ द ईच सेगमेंट के अंदर हार्ट जो है वो सेवन डिस्टिंक्ट चैम्बर से बना हुआ होता है। ओके, और प्रत्येक चैम्बर के अंदर यदि हम देखें तो प्रत्येक चैम्बर के जो डोर्सो लेटरल साइड है वहां पर क्या पाए जाते हैं? प्रत्येक हार्ट के चैम्बर के अंदर ओपनिंग पाई जाती है, दैट इज वन पेयर ऑफ ऑस्टिया। ओके, और इस ऑस्टिया के द्वारा जो है ये किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं? जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसके साथ में ये कम्युनिकेट करते हैं। देखो बच्चों, जो सेवन डिस्टिंक्ट चैम्बर्स हैं उनके डोर्सो लेटरल साइड पे ऑस्टिया वन प्रत्येक सेगमेंट के अंदर, प्रत्येक चैम्बर के अंदर वन पेयर ऑफ ऑस्टिया पाए जाते हैं। ओके, और ये ऑस्टिया जो है वो वैल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब उनके अंदर वॉल उपस्थित होते हैं। ओके, ये जो चैम्बर्स हैं हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उसके अंदर प्रत्येक
ऑस्ट्रिया जो है सेगमेंट्स के अंदर स्लाइटली ब्राउन और जो की क्या बनाता है वॉल्व बनाता है। ओके ये वॉल्व क्या कार्य करते हैं बच्चों, ये वॉल्व जो है पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड को हार्ट में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ओके इनके थ्रू पेरिकार्डियल साइनस या पेरिकार्डियल कैविटी से ब्लड हार्ट में पहुंचाया जाता है और जैसे ही हार्ट में ब्लड पहुंच जाता है तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये जो ब्लड हमारा हार्ट में पहुंच चुका है वो वापस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर या साइनस के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाता। ओके और चूंकि हमारा हार्ट क्या है, मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है, मस्कुलर वॉल पाई जाती है, इस वजह से ये स्लो पेरिस्टेटिक मूवमेंट शो करता है। ओके चले आगे, अब हम थोड़ा सा हमारा परिसंचरण तंत्र जो स्कॉर्पियन का है उसका डायग्राम देख लेते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया इस डायग्राम की यदि हम बात करें तो हमारा हार्ट कहाँ सिचुएटेड है, दिस इज द इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर मस्क्यूलर हार्ट इज सिचुएटेड इन द मीजोजोमेटिक रीजन ऑफ द बॉडी। ओके किसके अंदर एनक्लोज होता है ये हार्ट जो है हमारी जो ये कैविटी है इसके अंदर एनक्लोज रहता है और ये कैविटी क्या कहलाती है बच्चों, ये कैविटी कहलाती है पेरिकार्डियल साइनस। ओके और अपनी पूरी लंबाई के अंदर ये हार्ट कितने चैम्बर, 7 डिस्टिंक्ट हार्ट चैम्बर्स के अंदर डिवाइड रहता है। ओके ये वेरियस आर्टरीज हैं जिनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पेरिमोनियस जो है स्कॉर्पियन जो है उसके हार्ट और एट्रियल सिस्टम का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को हम आगे डिस्कस करेंगे। और अब हम आ जाते हैं हार्ट से निकलने वाली जो मेन आर्टरीज है उनके ऊपर। देखिए कौन कौन सी आर्टरीज निकलती है, हार्ट जो है उसके एंटीरियर पोर्शन से एंटीरियर एओर्टा राइज होता है। ओके एक आर्टरीज निकलती है जो एंटीरियर एओर्टा कहलाती है और इसी प्रकार हार्ट के पोस्टीरियर रीजन से पोस्टीरियर एओर्टा जो है वो अराइज होता है। और इसी प्रकार प्रत्येक हार्ट का जो चैम्बर है, ठीक है, ईच चैम्बर ऑफ द हार्ट यहाँ से 1 पेयर ऑफ लेटरल सिस्टमेटिक आर्टरीज अराइज होती है। ओके तो इस प्रकार से मेन कौन सी आर्टरीज हो गई, हार्ट के एंटीरियर पोर्शन से एंटीरियर एओर्टा अराइज होती है, पोस्टीरियर रीजन से पोस्टीरियर एओर्टा और प्रत्येक जो 7 डिस्टिंक्ट चैम्बर से हार्ट के उसके लेटरल साइड से 1 पेयर ऑफ सिस्टमिक आर्टरीज अराइज होती है। ये वेरियस आर्टरीज पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। अब हम बात करें सबसे पहले हमारी एंटीरियर एओर्टा की, तो एंटीरियर एओर्टा जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है हार्ट का, फर्स्ट सेगमेंट के एंटीरियर एंड से अराइज होती है और ये जो एलिमेंट्री कैनाल, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके डॉर्सल सरफेस के साथ ऊपर रन करती हुई एंटीरियर पार्ट के अंदर आगे बढ़ती है। ओके किस प्रकार की वेसल है, ये शॉर्ट एंड वाइड वेसल होती है जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजोमेटिक बॉडी पोर्शन को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। ओके ये जो मेन आर्टरीज है एंटीरियर एओर्टा उससे निकलने वाली कौन कौन सी डिफरेंट आर्टरीज है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो एंटीरियर एओर्टा है उससे 1 पेयर ऑफ विसरल आर्टरीज जो है वो अराइज होती है। ओके 1 पेयर ऑफ विसरल आर्टरीज जो कहाँ पे ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है, ये विसरल आर्टरीज जो है वो इंटेस्टाइन और हिपेटोपैंक्रियास जो हमारा रीजन है वहां पे ब्लड सप्लाई करती है। ओके अब हम चले आगे, 1 पेयर ऑफ विसरल आर्टरी। अब हम चले हमारा डायफ्राम। ओके यदि हम डायफ्राम को देखें तो बियॉन्ड द डायफ्राम बट बिफोर द ब्रेन यहाँ से 1 पेयर ऑफ आर्टरीज फ्रॉम द एंटीरियर एओर्टा अराइज होती है, 1 पेयर ऑफ आर्टरीज अराइज होती है जो कि ईसोफेगस को एनसर्किल करती है एंड ईसोफेगस के ऊपर डॉर्सल सरफेस को एनसर्किल करते हुए नीचे की तरफ ये दोनों आर्टरीज जो है वो यूनाइट हो जाती है
और क्या बनाती है वेंट्रल सरफेस पे, ये बनाती है सुप्रा न्यूरल आर्टरी। ओके, और ये सुप्रा न्यूरल आर्टरी अब नीचे की तरफ जो हमारा वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ओके, वेंट्रल नर्व कॉर्ड के ऊपर आगे तक बढ़ती है और नर्व कॉर्ड और जो हमारी वेंट्रल मसल्स है उनको ब्लड सप्लाई करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। चले आगे, और अब आगे यदि हम देखें तो हमारे एंटीरियर एओर्टा से देखिए डायफ्राम को भेजकर जो हमारा इसोफेगियल जो रीजन था उसके दोनों तरफ से जो हमारे एंटीरियर एओर्टा है वो हमारा इसोफेगस के ऊपर एक सिफेलिक चैम्बर नुमा संरचना बनाती है। ओके, और ये जो सिफेलिक चैम्बर है उससे 6 पेयर ऑफ आर्टरीज अराइज होती है बच्चों। ओके, 6 पेयर ऑफ आर्टरीज अराइज होती है और ये जो आर्टरीज है वो हमारा प्रोजोमेटिक रीजन, जो हमारे प्रोजोमेटिक रीजन पे उपस्थित अपेंडिसेस और ब्रेन और आईज को ब्लड सप्लाई करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ओके, ये हमने बनाया है क्या, दिस इज द टीएस पासिंग थ्रू द मिडिल रीजन ऑफ द बॉडी शोइंग पल्मोनरी एंड मेन साइनसेस ऑफ द बॉडी। ओके, अब हम चले हमारी जो है नेक्स्ट आर्टरी दैट इज पोस्टीरियर एओर्टा। पोस्टीरियर एओर्टा अभी जैसे मैंने शुरुआत में बताया हमारे हार्ट के पोस्टीरियर रीजन से अराइज होती है ये एओर्टा, और कहाँ जाती है ये जो हमारा इंटेस्टाइन जो रीजन है नीचे की तरफ इंटेस्टाइन रीजन के डॉर्सल साइड से रन करती हुई ये बॉडी के लास्ट सेगमेंट तक पहुंचती है। ओके, अब इस पोस्टीरियर एओर्टा से कौन कौन सी आर्टरीज अराइज होती है बच्चों, इस पोस्टीरियर एओर्टा से जो है 1 पेयर ऑफ आर्टरीज इन ईच सेगमेंट ऑफ द पोस्ट एब्डोमन अराइज होती है। हमारा जो पोस्ट एब्डोमन रीजन है बॉडी का वहां के प्रत्येक सेगमेंट से में 1 पेयर ऑफ आर्टरीज अराइज होती है। ओके, एंड ये 1 पेयर ऑफ आर्टरीज आगे चल के 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी ब्रांच होती है, 1 मीडियन ब्रांच होती है। ओके, एंड दिस मीडियन ब्रांच जो वेंट्रली एक्सटेंड होके कहां जॉइंट होती है, सुप्रा रीनल आर्टरी से, और 2 लेटरल ब्रांच इससे अराइज होती है जो कि रन करती है इनटू द पोस्टीरियर लोब्स ऑफ द पेरिपेटोपैंक्रियास एंड सप्लाई द मसल्स ऑफ द रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स। ओके, अब हम चले हमारी जो लेटरल सिस्टमिक आर्टरीज थी। देखिए हार्ट जो है वो 7 चैम्बर्स के अंदर डिवाइड रहता है जिनके लेटरल साइड के अंदर क्या निकलती है, सिस्टमिक आर्टरीज निकलती है, और ये जो आर्टरीज होती है वो प्री एब्डोमन रीजन के वेरियस पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ओके, अब ये सभी आर्टरीज एंटीरियर एओर्टा, पोस्टीरियर एओर्टा और लेटरल साइनस सिस्टमिक आर्टरी से निकलने वाली जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस जो है वो सब ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट होती हैं, डिवाइडेड होती हैं, और ये सारी इनकी सब ब्रांचेस जो हैं से ब्लड जो है वो अपने ब्लड को कहाँ डाल देती हैं, ये हमारे जो हीमोसिलोमिक स्पेसेस हैं, जो स्मॉल नैरो हीमोसिलोमिक स्पेसेस जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो कहलाते हैं लैक्यूने, वहां पे अपना ब्लड पहुंचा देती है, और ये जो नैरो स्पेसेस लैक्यूने हैं यहाँ ये क्या करते हैं, ये अपने ब्लड को पहुंचा देते हैं कहाँ, आगे के लार्ज हीमोसिलोमिक स्पेसेस जो क्या कहलाते हैं, जो कहलाते हैं साइनसेस। ओके, हम आगे चले, हम आगे कितने इंपॉर्टेंट साइनसेस स्कॉर्पियन के अंदर, देखिए स्कॉर्पियन के अंदर बेसिकली 5 मेन साइनसेस पाए जाते हैं। फर्स्ट पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस के जस्ट ऊपर जो है डॉर्सल साइनस, बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर उपस्थित वेंट्रल रीजन के अंदर उपस्थित जो है पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ ये इज द वेंट्रल साइनस। इसी प्रकार बॉडी के पार्श्वों के अंदर उपस्थित लेटरल साइनस और पेरिविस्ट्रल साइनस। ओके, ये लार्ज हीमोसिलोमिक स्पेसेस होते हैं जहां पे ब्लड को एक तरह से कलेक्ट
किया जाता है। ओके, वेंट्रल साइनस जो है वो कहाँ पाया जाता है बच्चों? वेंट्रल साइनस जो है वो बिलो द हमारी जो वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है उसके नीचे द होल लेंथ ऑफ द बॉडी फैला हुआ रहता है। ओके, वेंट्रल साइनस कहाँ से ब्लड कलेक्ट करता है? फ्रॉम द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी इसे ब्लड कलेक्ट किया जाता है। और फिर ये वेंट्रल साइनस जो है बुक लंग्स नामक संरचना हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। बुक लंग्स क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वहां पर ये अपने डाइवर्टिकुलम के माध्यम से ब्लड पहुंचाने का कार्य, ब्लड सप्लाई करने का कार्य वेंट्रल साइनस द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार डॉर्सल साइनस, जैसा भी मैंने बताया पेरिकार्डियल साइनस जो है हमारा पेरिकार्डियम उसके डॉर्सल सतह पर डॉर्सल साइनस पाया जाता है जो कि बॉडी के डॉर्सल पार्ट से ब्लड कलेक्ट करने का कार्य करता है। ओके, और ये जो है वो थ्रू द लेटरल साइनस वेंट्रल साइनस से कनेक्टेड होता है। एंड पेरिविस्ट्रल साइनस, पेरिविस्ट्रल साइनस जो है वो कहाँ पाया जाता है? एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ पाया जाता है। एंड पेरिविस्ट्रल साइनस किससे बनी हुई संरचना है? ये वेरियस लैक्यूने बिटवीन डिफरेंट विस्ट्रल ऑर्गन्स जो है वहां उनके जो वेरियस लैक्यूने हैं ये सभी जॉइंट होकर क्या बनाते हैं? पेरिविस्ट्रल साइनस का निर्माण करते हैं। और ये पेरिविस्ट्रल साइनस भी वेंट्रल साइनस के साथ कम्युनिकेट करता है। अब हम चले पल्मोनरी वेन्स। ओके, देखिए अभी हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन का के बारे में देखा जो हम बुक लंग्स पढ़ चुके हैं। बुक लंग्स कितने होते हैं? 4 पेयर्स ऑफ बुक लंग्स पाए जाते हैं स्कॉर्पियन के अंदर। और प्रत्येक जो बुक लंग्स है उससे 1 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन, जो हम पल्मोनरी वेन पढ़ रहे हैं वो अराइज होती है। ओके, कहाँ से अराइज होती है? ये जो हमारा बुक लंग रीजन है वहां से, फ्रॉम द बुक लंग्स। ये क्या होता है? बुक लंग्स अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पेरिकार्डियल साइनस के अंदर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा प्रवाहित करते हैं। तो 4 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स जंतु के अंदर पाई जाती है जो कि बुक लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ प्रवाहित करती है, कहाँ भेजती है? हमारा जो पेरिकार्डियल साइनस है वहां पहुंचाया जाता है। ओके, अब हम बात कर ले जंतु का ब्लड किस प्रकार का होता है। देखिए हम स्कॉर्पियो आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो पाए जाने वाला जंतु है उनके ब्लड को हीमोलिम्फ भी कहते हैं बच्चों। ओके, तो हीमोलिम्फ किस प्रकार की संरचना, किस प्रकार का होता है इनका ब्लड, किस प्रकार का होता है? ब्लड के अंदर नॉन न्यूक्लिएटेड अमीबोसाइट्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं इनकी कोशिकाएं पाई जाती है। और ब्लड प्लाज्मा में घुला हुआ इनके अंदर एक श्वसनी वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा? हीमोसाइनिन श्वसनी वर्णक पाया जाता है। ओके, ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड होने पर ब्लड का कलर जो है वो किस प्रकार का होता हो जाता है? ब्लूइश नीले रंग का ब्लड हो जाता है। और ये नीला रंग किस वजह से होता है? इसके जो श्वसनी वर्णक है हीमोसाइनिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि हीमोसाइनिन के अंदर क्या पाया जाता है? कॉपर मेटेलिक बेस पाया जाता है। ओके, जिसकी वजह से ये हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको नीला रंग प्रदान करता है। अब हम बात करें ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर किस प्रकार से होता है। ओके, अभी हमने कहा पेरिकार्डियल जो साइनस है वहां पे लिगामेंट्स के द्वारा उसके अंदर हार्ट एनक्लोज रहता है। ओके, जब इन लिगामेंट्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन उत्पन्न होता है, इसके अंदर लिगामेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट की जो कैविटी है वो एनलार्ज हो जाती है जिसकी कारण पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर बाय द ऑस्टिया जो छिद्र है उनके द्वारा हार्ट के अंदर पहुंचाया जाता है। ठीक है, हार्ट में जब ब्लड आ जाता है बच्चों तो उसके बाद में हार्ट जो है वो क्या करता है? संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और अपने
एंटीरियर एओर्टा, पोस्टीरियर एओर्टा और जो लेटरल सिस्टेमिक आर्टरीज हैं उनके द्वारा संपूर्ण बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। ठीक है, सारे जो हमारी आर्टरीज हैं वहां से फिर ये जो ब्लड प्रवाहित होने के बाद डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचाया जाता है, ये इम्प्योर या डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आप फ्रॉम द वेरियस विसरल ऑर्गन और फ्रॉम द विसरा कलेक्ट किया जाता है, कहाँ पर, वेंट्रल साइनस। ओके, और फ्रॉम द वेंट्रल साइनस थ्रू द डायवर्टिकुला ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है कहाँ पर, बुक लंग्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुक लंग्स के अंदर क्या पाई जाती है, देयर आर वेरियस लैमेली पाई जाती है और इन लैमेलीज के बीच के जो स्पेसेस होते हैं वहां पे जो है वो O2 एंड CO2 के आदान प्रदान के माध्यम से ब्लड को क्या किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। ओके, और फ्रॉम द बुक लंग्स ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे 4 pairs ऑफ पल्मोनरी वेन हैं उनके माध्यम से पेरिकार्डियल साइनस तक वापस पहुंचा दिया जाता है। ओके, और फिर पेरिकार्डियल साइनस से जो ऑस्टिया है उनसे होकर ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर पहुंच जाता है। हियर इज अ कोर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड के सर्कुलेशन का ही पाथवे बताया गया है डायग्राम के अंदर। देखिए यहाँ पे हमारा हार्ट सिचुएटेड है, पेरिकार्डियल साइनस जो है यहाँ पे हमारा ब्लड एकत्रित है जो कहाँ से आया है, पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पेरिकार्डियम तक पहुंचाती है और पेरिकार्डियम में जो हार्ट की चैम्बर्स है वहां की ऑस्टिया से होता हुआ हार्ट जो है वो वहां तक पहुंच जाता है, हार्ट के प्रत्येक चैम्बर तक जो है वो ब्लड पहुंचा दिया जाता है। अब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होकर वेरियस आर्टरीज के द्वारा संपूर्ण बॉडी के अंदर ब्लड को जो है वो पहुंचाता है। ओके, और देयर इज अ ब्लड लैक्यूने इन विसरा, वेरियस विसरा है बॉडी के वहां पे ब्लड लैक्यूने, वहां पे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड प्रवाहित होने के बाद ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वो लैक्यूने के माध्यम से डॉर्सल, लेटरल एंड पेरी विसरल साइनसेस के अंदर एकत्रित किया जाता है और ये सभी साइनसेस जो है अपने ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड है उसको कहाँ सप्लाई कर देते हैं, वेंट्रल साइनस, और वेंट्रल साइनस डायवर्टिकुला के द्वारा वापस इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होने के लिए बुक लंग्स के अंदर भेज देता है। ओके, और बुक लंग्स की लैमेली के द्वारा ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड किया जाता है जो कि 4 pairs ऑफ पल्मोनरी वेन्स द्वारा पेरिकार्डियम तक पहुंचा दिया जाता है और फिर पेरिकार्डियल साइनस से वापस से हार्ट में ये ब्लड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आज में हमने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या स्कॉर्पियन का सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट किया है।